चलो अच्छा, नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम मिनिमा पे, एन आइसोस्केल ट्राइंगल ऑफ वर्टिकल एंगल 2 थीटा इज इंस्क्राइब इन ए सर्कल ऑफ रेडियस ए, देन सो दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज मैक्सिमम व्हेन द थीटा इज पाई बाय 6। ये हमारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएगा एओडी पे बेस्ड, ठीक है। अब देखो उसने क्या बोला है, एक आइसोस्केल ट्राइंगल है जिसका वर्टिकल एंगल है 2 थीटा इज इंस्क्राइब इन ए सर्कल ऑफ रेडियस ए, मतलब आपका ये जो ट्राइंगल है वो एक सर्कल के अंदर है और सर्कल का रेडियस आपको ए गिवन है, तो हमने एक सर्कल बना दिया इस तरीके से, ठीक है जी। हमारा सर्कल हो गया जिसका रेडियस ए हैगा, अब इसके अंदर एक आइसोस्केल ट्राइंगल हैगा, तो हमने एक ट्राइंगल बना दिया, ये अपना ट्राइंगल हो गया, ठीक है जी। अब देखो यहां से लेकर के सेंटर तक का डिस्टेंस, ये हमारा रेडियस ए हो जाएगा और यहाँ से तेरे करके यहाँ तक का डिस्टेंस भी रेडियस ए हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी अपना बच गया ये हमारा 90 डिग्री, और इसमें हमें दूसरा गिवन क्या दे रखा है, ये एंगल हमें 2 थीटा दे रखा है वर्टिकल एंगल। अगर ये हमारा पूरा का पूरा 2 थीटा है, ये 2 थीटा है, तो ये एंगल हमारा थीटा हो गया, ठीक है ना। और ये भी आपको पता होगा कि अगर यहाँ पे एंगल हमारा जो भी एंगल यहाँ होता है उसका डबल एंगल हमारा कहाँ पे होता है, यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा कितना एंगल आ गया है, ये एंगल हमारे पास आ गया 4 थीटा, मतलब ये एंगल 2 थीटा और ये भी 2 थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं, गिवन क्या है हमारे पास इस क्वेश्चन में, गिवन है हमारे पास ए रेडियस ऑफ सर्कल ए, ये हमें गिवन है। टू प्रूव हमें क्या करना है, प्रूव हमें करना है फर्स्ट पार्ट में कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज मैक्सिमम एंड सेकेंड पार्ट इज थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे हम लोग कैसे कैसे इसको करेंगे, इसको नेम दे देते हैं, सेंटर ओ हो गया, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो बेसिकली वही यूज़ करेंगे हम लोग, हाफ बेस इंटू में हाइट, मतलब बेस आपका बी सी इंटू में हाइट हमारा ए डी। तो उसके लिए ये तो हमें डिस्टेंस पता है ए, मगर ये नहीं पता ओ ए, और इसी तरीके से हमें बी सी निकालने के लिए ए बी फाइंड करना होगा, तो हम लोग यहाँ पे ट्रिगो का यूज़ करेंगे ट्राइंगल में। देखो इन राइट ट्राइंगल ओ ए बी में, भाई एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, इसका मतलब ए बी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस ओ बी इज इक्वल टू साइन थीटा आ जाएगा, साइन 2 थीटा आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है। अब ए बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और ओ बी हमें कितना गिवन है, ए और यहाँ पे साइन 2 थीटा, तो यहाँ से ए बी इज इक्वल टू आ गया ए इंटू में साइन 2 थीटा, ठीक है। सेम ऐसे ही इसमें देखो ये आपका बेस हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, तो बेस ओ ए अपॉन में ओ बी इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा आ जाएगा, तो ओ ए अपॉन में ए स्मॉल ए इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, ओ ए इज इक्वल टू आ गया ए इंटू में कॉस 2 थीटा, ये हमारे पास आ गया ओ ए बी, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोग बी सी डी निकाल लेंगे कैसे, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी को मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ, वो हो जाएगा हाफ इंटू में बेस, मतलब बी सी बी सी इंटू में हाइट इज ए डी, हाइट इज ए डी। अब देखो एरिया कितना आ गया हाफ, बी सी की वैल्यू हमारी हो गई बी सी इज डबल ऑफ ए बी और ए बी इज ए साइन 2 थीटा, तो यहाँ पे आ गया 2 ए साइन 2 थीटा, ठीक है। और अब आएगा ए डी, ए डी हमारे पास क्या हो गया ओ ए प्लस का ओ डी, मतलब कि ये हमारे पास कितना आया था ए कॉस थीटा और ये हो गया ए, तो यहाँ पे आ गया ए प्लस का ए कॉस 2 थीटा, यहाँ से ए कॉमन आ रहा है, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और इस ए से मल्टीप्लाई हो गया आ जाएगा स्मॉल ए स्क्वायर इंटू में साइन 2 थीटा और 1 प्लस का कॉस 2 थीटा, ठीक है। अब हमारे पास ये एक ही वेरिएबल में इक्वेशन आ गई थीटा में, तो इसका डायरेक्टिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, डायरेवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो आएगा डी ए अपॉन में डी थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर, इस बार इसमें हमारा प्रोडक्ट लगेगा पूरे में, तो यहाँ पे आएगा साइन थीटा फर्स्ट फंक्शन सेम 1 प्लस कॉस का 0 माइनस का कॉस कॉस का हो जाएगा साइन 2 थीटा इंटू में 2 थीटा का 2
फिर उसके बाद प्लस में वन प्लस का कॉस टू थीटा ऐसा ही, और साइन का कॉस टू थीटा इंटू में टू। यहाँ से देखो ये वाला टू को मना रहा है, तो यहाँ पे आ गया टू ए स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आएगा माइनस का साइन स्क्वायर टू थीटा प्लस का कॉस टू थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर टू थीटा। ठीक है जी, आपको एक फॉर्मूला पता होगा कॉस टू ए का, कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस टू ए होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए दोनों मिला के बन जाएगा कॉस फोर थीटा। ठीक है ना, और प्लस का लिखा है अपना कॉस टू थीटा, यह आ गया टू ए स्क्वायर, यह आ गया डी ए बाई डी थीटा। इसको मैंने इक्वेशन मान लिया वन। अब इसको हम पुट करते हैं जीरो के इक्वल, डी थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से आएगा टू ए स्क्वायर कॉस फोर थीटा प्लस का कॉस टू थीटा इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे कॉस फोर थीटा इज इक्वल टू कॉस टू थीटा और माइनस आएगा यहाँ पे, है ना। अब देखो जो माइनस कॉस थीटा होता है वो इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा होता है, तो यहाँ पे मैं इसको कॉस पाई माइनस टू थीटा लिख सकता हूँ, यहाँ से कॉस फोर थीटा। अब यहाँ से आएगा फोर थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस टू थीटा, क्योंकि हमारा थीटा एक्यूट एंगल है, इसलिए मैंने बस इसी को यूज़ किया। ठीक है, वरना फिर हमें जनरल सॉल्यूशन यूज़ करना पड़ता। ये एक इस तरफ आ जाएगा तो कितना आएगा यहाँ से, ये आपके पास आ जाएगा सिक्स थीटा इज इक्वल टू पाई एंड थीटा इज इक्वल टू पाई बाय सिक्स। ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है ना, सेकेंड पार्ट इसका कि थीटा पाई बाय सिक्स है। अब हमें क्या करना है, इसको मैक्सिमम प्रूफ करना है। तो मैक्सिमम प्रूफ करने के लिए डबल डेरिवेटिव करना है, यहाँ कर देते हैं हम लोग। देखो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये है, इसका मुझे डबल डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू थीटा इन इक्वेशन वन, तो आएगा डी स्क्वायर ए अपॉन में डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर, कॉस का हो जाएगा माइनस का साइन फोर थीटा इंटू में फोर, और कॉस का माइनस का साइन टू थीटा इंटू में टू। यहाँ से भी देखो टू को मन आ रहा है तो आएगा माइनस का टू आएगा तो आएगा माइनस का फोर ए स्क्वायर, ब्रैकेट में आ जाएगा टू साइन फोर थीटा और प्लस का साइन टू थीटा। अभी आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू पाई बाई सिक्स आई थी वो पुट कर सकते, तो आएगा फोर ए स्क्वायर ब्रैकेट में टू साइन फोर, यहाँ पे थीटा की जगह पे पाई बाई सिक्स और प्लस का साइन टू थीटा की जगह पाई बाई सिक्स, ये हो गया माइनस का फोर ए स्क्वायर, यह आ गया टू, इससे कटेगा टू बाई थ्री। साइन टू पाई बाई थ्री की वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या आएगी, साइन पाई माइनस पाई बाई थ्री, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो साइन पाई बाई थ्री हो गया रूट थ्री बाई टू, ये हो गया रूट थ्री बाई टू, और प्लस का ये आ गया पाई बाई थ्री, ये भी होता है रूट थ्री बाई टू। ठीक है ना, फिर इसको आप ये टू से टू कट जाएगा, यह आएगा थ्री रूट थ्री माइनस का फोर ए स्क्वायर थ्री रूट थ्री बाई टू, ये भी आपका लेस देन जीरो आ गया। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल इज मैक्सिमम, ये हमारा एरिया क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। अरे बात समझ, तो इसके दोनों पार्ट हमारे प्रूफ हो गए। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से कर देना, पेपर में आ सकता है आपके।